विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक थे। इस महान विश्वविद्यालय को तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने जलाकर ध्वस्त कर दिया था, वो भी एक छोटी सी वजह से। बताया जाता है कि एक बार बख्तियार काफी ज्यादा बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाए। परंतु खिलजी उसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसे लगता था कि उसके हकीम भारतीय वैद्यों से ज्यादा काबिल है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे आचार्य जी को बुलाना पड़ा। परंतु उसने आचार्य जी के सामने एक अजीब सी शर्त रखी कि वह किसी भी तरह की दवा नहीं खाएगा। आचार्य जी से बिना दवा के ठीक करके दिखाएं, और अगर आचार्य जी से ठीक नहीं कर पाए तो वह उन्हें जान से मार देगा। आचार्य जी ने उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान को पेज नंबर इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और वह ठीक हो गया। कहा जाता है कि वैद्यराज ने कुरान के उन पन्नों पर एक दवा का लेप किया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। अब खिलजी ठीक तो हो गया, परंतु उसके मन में यह बात घर कर गई कि भारत के वैद्य हमारे हकीमों से ज्यादा ज्ञानी कैसे हो सकते हैं, और इसी बात से चिढ़कर उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। ऐसा कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीनों तक जलती रही। दोस्तों, क्या आप इस घटना के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।